नमस्कार, मैं आस्था श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकनाथ। आइए डालते हैं कुछ खास खबरों पर नजर। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा कि गुरुवार का दिन ग्वालियर के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण दिन साबित होगा। उन्होंने कहा, इसी दिन यानी गुरुवार को देश के सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ट्रिपल आईटीएम से लेकर वीरपुर बांध तक की 15 किलोमीटर की एलिवेटेड रोड का भूमि पूजन करेंगे। इस मौके पर प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, सांसद विवेक नारायण सेजवलकर सहित कई वरिष्ठ नेता और अफसर मौजूद रहेंगे। ऊर्जा मंत्री तोमर ने कहा कि जिस तरह से कांग्रेस ने आदिवासी बच्चों का सहारा लेकर उन्हें नंगे पैर विधानसभा ले जाकर प्रदर्शन किया, वह उनके दिमागी हालात के बारे में बखूबी बताता है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने आदिवासी बच्चों के साथ विधानसभा पर प्रदर्शन किया था। कांग्रेस का आरोप था कि अपने जन्मदिन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्योपुर के कुन्हो पालपुर अभ्यारण्य में आ रहे हैं, लेकिन वहां के सहरिया आदिवासी समाज के लोगों की स्थिति दयनीय है और उनके पास बुनियादी सुविधाओं तक की कमी है। बच्चे कुपोषण का शिकार हो रहे हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री कुन्हो अभ्यारण्य में अपना जन्मदिन मनाने आ रहे हैं। वो भी 7 करोड़ की लागत से PWD द्वारा वो रोड बनाई जा रही है। जैसे ही बरसात खत्म हो जाएगी और रोड का काम चालू हो जाएगा। ग्वालियर शहर में जो प्लान आए हैं वो लगभग प्लान पूरे हो रहे हैं। आप ये देखिए, 1000 बिस्तर के अस्पताल का काम तेज गति से चल रहा है। जरा आप गौर से देखिएगा कि ग्वालियर शहर में जो परियोजनाएं आ रही हैं उनका क्रियान्वयन हो रहा है। अब कोई भी काम को बनने में थोड़ा समय तो लगता ही है। हॉस्पिटल में कुछ घोटाला पाया गया था जिसके बीच में भी काम रुक गया था, क्या था वो? देखिए, जब घोटाला या कोई अनियमितताएं होती है उसकी जांच होती है, उनके खिलाफ कानून अपनी कार्रवाई करता है। और एलिवेटेड रोड। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम्स को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही आप हमारे फेसबुक पेज व अन्य सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से भी जुड़ सकते हैं।